मासूम से दरिंदगी करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। यूपी के संभल में एक दरिंदे ने हैवानियत की हदें पार करते हुए मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। आरोपी ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब 9 वर्षीय मासूम बच्ची अपनी तहेरी बहन के साथ खेत पर नलकूप पर पानी पीने गई थी। इसी बीच आरोपी ने मासूम को ईंट भट्टे के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की कार्यवाही की है। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का पूरा मामला नखासा थाना क्षेत्र का है। बता दें कि कक्षा 2 में पढ़ने वाली मासूम बच्ची अपनी तहेरी बहन के साथ आलू बीनने के लिए पड़ोस में ही खेत पर गई थी। इसी बीच दोनों बहनों को प्यास लगी तो वह पास में ही नलकूप पर पानी पीने के लिए चली गई। आरोप है कि इसी बीच गांव का ही एक युवक आदम का और मासूम बच्ची को खींचकर पास के ही ईंट भट्टे के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाँच में जुट गई है। इस मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी सिद्धार्थ ने बताया कि आरोपी कादिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार करने की कार्यवाही कर ली गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जिसे नखासा क्षेत्र में घटना हुई थी नाबालिग के साथ, सर क्या मामला है? कल रात्रि नखासा क्षेत्र के मिठौली मिलक गाँव से एक दुष्कर्म की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया गया, पीड़िता को मेडिकल के लिए रवाना किया गया है तथा पुलिस द्वारा दबिश देते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई।